अपनी सेकंड सर्विस का कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा ना, आप मानोगे नहीं। एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आप देख रहे हैं राइट जोन एक्सपल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हमारी एक्सपल्स की सेकेंड सर्विसिंग करवाने के लिए। अब सेकेंड सर्विस हमारी ऑलरेडी ड्यू हो गई थी, 3-4 दिन हो गया, लेकिन ऑफिस वगैरह में मैं बिजी था तो मैं जा नहीं पाया। और आज है लकीली सैटरडे। संडे को जाता तो मुझे बहुत ज्यादा भीड़ मिलती, लेकिन आज हम सैटरडे को जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त भी है और हमारी सर्विसिंग का काम भी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ग्लव्स मैंने लिए थे लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको लोकल में इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि ये कैसे ना, थोड़ा हाथ में जमने थोड़ा टाइम लग गया। ऐसे तो बहुत कंफर्टेबल है ग्लव्स, लेकिन हाथ में अच्छे से जम जाए इसके लिए मैंने सोचा कि एक बार आज पहन के निकलते हैं। और कल के लिए हमारी राइड प्लान हुई है। मैंने ऐसा सोचा कि फिर एक राइड से पहले अगर हमारी गाड़ी की सर्विसिंग हो जाएगी तो राइड करने में क्या ही मजा आएगी भाई। अब मुझे आगे के ब्रेक में से ना बीच में थोड़ा आवाज चालू हो गया था, ब्रेक लग रहा था, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ब्रेकिंग एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो चूचा वाला आवाज होता ना वो चालू हो गया था और मुझे पसंद नहीं है वो सब। अभी रिसेंटली चालू हुआ है तो बताऊंगा सर्विस सेंटर में क्या है क्या नहीं। शायद थोड़ा कचरा वचरा फंस गया हो, मिट्टी वगैरह फंस गई हो, तो उसके वजह से भी आ सकता है। और अभी बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो आपको भी मैं बता दूं, अगर आपको भी करना हो तो वो कर सकते हो। आपने देखा होगा अपनी जो गाड़ी की चेन होती है, बाइक की चेन, वो ज़्यादा रस्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ बाइक की तो होती ही होगी रस्ट, क्योंकि आप उसको चेन लूप करो, ऑयल करो, वो 2-3 दिन में निकल जाएगा। लूप तो और भी जल्दी निकल जाता है मेरे ख्याल से, लूप ज़्यादा रहता नहीं है। और अगर आप राइड कर रहे हो तो रहेगा ही नहीं, वो तो जल्दी निकल जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, बारिश के टाइम में ना आप गियर ऑयल जो है ना जल्दी निकलता नहीं, गियर ऑयल पकड़ के रखता है और वो चेन के लिए अच्छा रहता है। तो अगर आपको यूज़ करना था, आप गियर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डोंट वरी। मेरे पास जो जूनी एक्सपल्स थी मैं उसमें भी यूज़ करता था। मेरी जूनी जो एक्सपल्स थी आप मानोगे नहीं, नई नई करके मेरा वो चेन स्प्रॉकेट जो था मोर देन 20,000 किलोमीटर्स रन किया था एक चेन स्प्रॉकेट, और मैं उसमें आज तक मैंने कभी भी लूप यूज़ नहीं किया आज तक। और इसमें भी मैं वही करता हूँ, आप सुनो, आप मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे चेन में अभी तक रस्टिंग नहीं लगी क्योंकि मैं एवरी वीक जो है उसको प्रॉपरली ऑयलिंग करता हूँ। आ गया है हमारा सर्विस सेंटर, ये रहा। अब आगे से यू टर्न मारना पड़ेगा भाई। अंदर चढ़ाने की जगह रखी है कि नहीं भैया जी? एक काम करो तुम, अरे भाई इसको थोड़ा बंद कर दे भाई। अभी हम लोग सर्विस सेंटर में तो आ गए और मैंने सर्विस के लिए गाड़ी भी दे दी है। तो नॉर्मल सर्विसिंग में जो भी होने वाला है उन्होंने बता दिया है मुझे, और जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मेरे आगे ऑलरेडी 3-4 गाड़ी है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा अराउंड 2-3 घंटा, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, देन अपनी गाड़ी की सर्विस स्टार्ट होगी। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे वेट ही करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो रैंप पे बहुत सारी गाड़ी लगी है। तो आज सैटरडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अपनी गाड़ी आज रैंप पे नहीं चढ़ी, अपनी गाड़ी का काम यहाँ पर हो रहा है। ये देखो अभी आगे का जो है ब्रेक साफ़ कर रही है, प्रॉपर क्लीन होगा ब्रेक एंड देन वापस उसको इंस्टॉल करेंगे। सभी के लिए सीन कुछ ऐसा है कि अपनी गाड़ी की सर्विसिंग चल रही है, लेकिन इनका भी लंच ब्रेक हुआ है, तो सीधी बात है वो खाना खाएगा। अपनी गाड़ी में अभी तक क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा ही होगा जैसे कि अपने आगे का ब्रेक क्लीन हुआ, पीछे का ब्रेक क्लीन हुआ एंड फिटिंग हुआ, एंड अभी अपना चेन का भी मतलब चेन भी जो लूज वगैरह था उसको भी उन्होंने बराबर कर दिया है। अभी क्लच चेक होगा, एक्सी चेक होगा एंड अपना एयर फिल्टर वगैरह चेक होगा, तो वो अपना इसके बाद होगा। अभी उनका कुछ अराउंड 2 बजे के आसपास स्टार्ट होगा वापस से काम। तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत खा पी लूँ, क्योंकि मैं मुझे भी थोड़ी भूख लगी है यार, सुबह से आया हूँ तो अभी थोड़ा खा पी लेता हूँ। तो अपना मस्त नाश्ता पानी हो गया, एकदम थोड़ा पेट भर गया है, लेकिन मुझे घर पे जाके भी खाना खाना है तो मैंने इतना नहीं खाया, नॉर्मल थोड़ा पेट में आसरा हो उतना ही खाया है। और अभी ऑलरेडी 1.5 बज चुका है, आधे घंटे का और हमें वेट करना है, फिर हमारी गाड़ी का काम फिर चालू हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से 3 बजे तक मेरे ख्याल से मुझे गाड़ी मिल जानी चाहिए। 3 बजे तक अपना सर्विस कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम घर पे जा सकते हैं। बिल जो अपने हाथ में आ चुका है, कितना आया है आप देखो, 60 रुपीज ओनली, 60 रुपए आया है अपने सेकंड सर्विस का कॉस्ट। इवन मैंने भी ये सोचा नहीं था कि 60 रुपए आएगा, क्योंकि हमने चेन लुब्रिकेट नहीं किया, ऑयल चेंज इस बार नहीं होगा, थर्ड सर्विस में होगा वो। देन ऑल्सो 60 रुपए मैंने नहीं सोचा था कि मुझे सर्विस का कॉस्ट आएगा, तो मैं अभी फिलहाल तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि 60 रुपए मैंने मेरी गाड़ी की सेकेंड सर्विस करवा ली है। चलो तो अभी चलता हूँ मैं सर, ठीक है चलो। और कोई भी अगर किसी को भी आना हो, यहाँ के सुपरवाइजर है यहाँ पे, आके इनसे आप मिल सकते हो एक्सपर्ट्स के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग इनको पूरा नॉलेज है, और योगेश भाई तो है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके कांटेक्ट जरूर करना। चलो सर जी, और ये रही अपनी गाड़ी, मस्त एकदम धुल चुकी है और चलने के लिए तैयार है अपनी गाड़ी अभी। तो भाइयों अपनी सर्विस तो अच्छे से हो गई है, और अभी मैं घर की तरफ निकल गया हूँ, और मैं अभी पहुँच जाऊँगा थोड़े टाइम में घर पर। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली अब घर पर मिलता हूँ। तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, और अपनी गाड़ी की सर्विसिंग का काम एकदम कंप्लीट हो चुका है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर्विस का कॉस्ट जो है सिर्फ 60 रुपीज़ आएगा। इवन जो भी हुआ ठीक है, अच्छा हुआ 60 रुपीज़, मुझे बहुत सुन के मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। फ्री की सर्विस, मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैंने गाड़ी की कुछ फ्री की सर्विस करवाई है, तो जो भी था अच्छा है। लेकिन अभी कल हमारी राइड है, तो उसके हिसाब से हमारा सारा काम हो गया है गाड़ी का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।